महाभारत युद्ध में अर्जुन की टक्कर के योद्धा दानवीर कर्ण का जन्म मुरैना जिले के कुंतलपुर में हुआ था। यहाँ कर्ण और पांडवों की माता कुंती का मायका था। भगवान सूर्य ने यहाँ उतरकर कुंती को दर्शन दिए थे। कुंतलपुर में आसन नदी के किनारे पत्थर की महाभारत कालीन चट्टानों पर भगवान सूर्य घोड़े पर बैठकर उतरे थे। उनके तेज से चट्टानें पिघलकर मोम की तरह हो गई थी, इसलिए उनके घोड़ों के पदमार्क यहाँ बन गए थे, जो आज तक यहाँ मौजूद हैं। दानवीर कर्ण के जन्म की कहानी पुरातत्व विभाग के अध्ययन में प्रमाणित हो चुकी है। कुंतलपुर राजा कौंद का नगर हुआ करता था। यहीं आसन नदी के किनारे बने प्राचीन शिव मंदिर पर दुर्वासा मुनि आए और 4 महीने तक तपस्या की। इस दौरान कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो उठे और आशीर्वाद में एक गुप्त मंत्र कुंती को दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कुंती से कहा कि जब भी वो किसी देवता को स्मरण कर इस मंत्र का उच्चारण करेगी, तब उस देवता से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि दुर्वासा के जाने के बाद एक दिन कुंती ने उस मंत्र का परीक्षण करने का सोचा। कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन किया और तभी भगवान सूर्य घोड़े पर सवार होकर कुंती के सामने प्रकट हुए। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती गर्भवती हो गई, लेकिन कुंवारी होने की वजह से और लोकलाज के भय से कुंती ने बालक के जन्म होते ही उसे आसन नदी के खार में बहा दिया। इसलिए आज भी इस जगह को कर्णखार के नाम से जाना जाता है। कुंती को वरदान देने के बाद जब भगवान सूर्य आकाश मार्ग से चले गए, तो इन चट्टानों पर घोड़ों के पदमार्क बन गए। हालांकि कर्णखार के पानी के तेज बहाव में इन पदमार्कों की आकृतियां बदलने लगी हैं, लेकिन कुछ पदमार्क आज भी साफ दिखाई देते हैं। कुंतलपुर की पहचान कुंती के नाम से है, इसलिए जिस शिव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, उसी के एक हिस्से में कुंती की प्रतिमा भी स्थापित कराई गई है। यहाँ माता कुंती की पूजा अर्चना मंदिर के महंत करते हैं। पुरातत्व विभाग 10-12 साल पहले ही कर्णखार और कुंतलपुर के आसपास खुदाई करवा चुके हैं। वहाँ मिले मोती एवं अन्य पत्थरों की जांच में यह सिद्ध हो चुका है कि यह स्थान महाभारत कालीन है, और ये भी सिद्ध हुआ है कि कर्ण का जन्म यही हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों।